राजधानी दिल्ली में एक और अवैध बस्ती पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। पुराने बारापुला ब्रिज के पास बसी मद्रासी बस्ती को दिल्ली सरकार ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने खाली करने का नोटिस दे दिया है। इसके बाद यहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह खाली करने के तैयार नहीं है। 400 से 500 झुग्गियों घरों पर बुलडोजर एक्शन का डर सता रहा है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को बस्ती में पहुंचे और LG पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बस्ती को टूटने नहीं देगी। नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मद्रासी कैंप को तोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने पिछले सप्ताह इसको लेकर नोटिस जारी किया और लोगों को 5 दिनों के अंदर बस्ती खाली करने को कह दिया। स्थानीय लोगों ने बस्ती खाली करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो करीब 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और जब तक सरकार उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेगी तब तक वो घर छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रदर्शन के बीच बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बस्ती में पहुंचे। उन्होंने नोटिस के लिए LG को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो बस्ती टूटने नहीं देंगे। सिसोदिया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का आतंक मचा रखा है। LG से कहकर अफसरों को डराते धमकाते हैं और फिर उनसे नोटिस दिलवा दिया जाता है। मैं इन लोगों को मद्रासी कैंप के निवासी से कहने आया हूँ कि 50-60 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इनके बच्चों की शादियाँ यहाँ हुई, ऐसे नहीं उजाड़ सकते हैं अब लोगों के घर। कोई व्यवस्था किए बिना हम बस्ती को नहीं टूटने देंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। हमें 5 दिन के भीतर बस्ती खाली करने को कहा गया। हमारे पास सबूत है कि कब से यहाँ पे हम रह रहे हैं। हमने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से कहा कि वह अपनी जगह ले लीजिए, लेकिन हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। हमारे परिवार हैं, हम कहाँ जाएंगे? यदि हमारे घरों को तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग के पास कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कैंप से करीब 300 बच्चे पास के स्कूल में जाते हैं, बस्ती तोड़ दी जाएगी तो उनकी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। ऐसे में अन्य निवासी ने कहा कि वो 35 से 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अधिकतर परिवार तमिलनाडु से हैं। कुछ लोग अपने वोटर ID कार्ड दिखाते हुए जो 1990 में दशक के हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।